हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ अपने कमीज पे, क्योंकि मुझे और मम्मी को गांव में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जो सरोज दीदी आई हुई है ना गाँव में, उनको लड़की हुई है, तो लड़की देखने के लिए जाना है। उसकी छोटी सी जो क्यूट क्यूट जो लड़की है उसको देख के आना है। तो अभी मैं प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नहा लूँगा। तो गाइस, मैं नहा लिया था और कपड़े मैंने डाल लिए थे, है ना। और अब मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ भगवान के सामने, क्योंकि हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं या सुबह उठते हैं ना, हमें मतलब कोई ना कोई काम होता है, ज़रूरी काम होता है ना, या ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग पर भी हम जाते हैं ना, तो हर कोई काम करने से पहले भगवान जी के सामने हमें हाथ जोड़ने चाहिए और भगवान जी को याद करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हमारे सफल हो जाते हैं, है ना। और भगवान जी को हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए, याद करना चाहिए, है ना। तो अब आपा दोनों, मैं और आप सभी गाइस जो भी मेरे को देख रहे हैं, हम साथ मिल करके भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, उन्हें याद करेंगे। आशा है कि मेरे साथ साथ आपने भी भगवान को याद किया होगा। मैंने भगवान जी को याद कर लिया। हमें उन्नति पर लेके जाएं भगवान जी। और जो भी हमारा कार्य है ना, जो भी हमारा कार्य है वो शुभ करे, मतलब कार्य में प्रोग्रेस आए और हम सबके परिवार वालों में खुशियां लेकर आए भगवान जी, है ना। और हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे भगवान जी। आपसे यही दुआ है, यही कामना है। जय माता वैष्णो देवी। तो गाइस, मैंने अपनी गाड़ी को लगा लिया था पार्किंग में और अभी बस चलने की तैयारी है। अभी बस मम्मी जी आ रही हैं कुछ काम करके, तो बस गाड़ी मैंने साफ कर दी थी, तो बस अब चलने की तैयारी है। तो गाइस, अभी मम्मी ने बोला है तू मार्केट में चला जा और पेस्ट्री ले आ बच्चों के लिए। तो रेन के लिए ले आऊँगा, श्रेया के लिए ले आऊँगा दो, एक तो रेन हो गया, श्रेया होगी दो, खुशी तीन, अच्छा एक वो क्या नाम है उसका छोटी ही वो पांच। तो मैं टोटल मतलब पांच पेस्ट्री ले आऊँगा ना।
खुशी भी होगी ना, तो इसीलिए तो ले आता हूँ पेस्ट्री है ना, और पापा दे गए हैं पैसे निकलवाने के लिए। हाँ वो तो कुछ तो गाइस आप सरोज दीदी की लड़की देख सकते हो, छोटी सी है बिल्कुल। क्या नाम रखे इसका? बिना बताए क्या? अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा, तो आप बताना क्या नाम रखे। तो गाइस ये अपना निक्कू है, निक्कू बन जा। हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? और सुनाओ निक्कू कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में? फोर्थ में। फोर्थ में? तो आपने अपनी छोटी सिस्टर का क्या नाम रखा? कोशीन। क्या? कोशीन। कोशीन बहुत अच्छा नाम है। कैसी लगी आपको छोटी सिस्टर? अच्छी। अच्छी लगी? आपने उसको गोदी में नहीं उठाया? उठाया। उठाया था? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? तो आपका मन लग रहा है गाँव में? हाँ। छुट्टियाँ पड़ी हुई है अभी आपकी है ना? हाँ। तो आप तो बाद में जाओगे या जाओगे स्कूल में? बाद में जाऊँगा। बाद में कभी? जब छुट्टी मेरे पापा लेने आएगा। अच्छा, आपके पापा लेने आएंगे तो छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी जब आप कहीं जब जाओगे। तो आपकी मम्मी यहीं रहेंगे? नहीं, और अभी आएंगे। वो भी जाएंगे? हाँ। अच्छा, और क्या बोलना चाहोगे गाइस को? कुछ नहीं। ये भाभी भी आ गई। हेलो गाइस बोल दो। भाभी ने हेलो गाइस नहीं बोला क्योंकि शर्मा गई भाभी। और खुशी जा रही आगे आगे है ना, है ना गाइस। और तेरा दोस्त का क्या नाम है? कौन सा दोस्त? आई मीन तेरा दोस्त नहीं है, है नहीं है? हाँ। ना बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे को नहीं पता कौन सा दोस्त है। और ये अपना निक्कू हो गया, देख लिया होगा। सही नाम क्या आपका? हिरेन दहिया ना। तो गाइस मेरे साथ खुशी भी आ गई है और ये जा रही है सरेयोर के घर पे, है ना खुशी? सरेयोर के घर पे जा रही है और ये सरेयोर के घर पे जा रही है। ओपी डाली। तो ये निक्कू और श्रेया खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? स्लिप। और ये तो ये नहीं खेलते था मुझे खेलना, इनके ना तार टूट गई है नहीं श्रेया? और श्रेया ठीक है तू? हेलो कर दे गाइस को। हेलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हो? अच्छे। अच्छे हो? और ये कौन है? ये मेरी दादी। खुशी है? और ये अपना निक्कू बन जा, है ना, छोटा सा एमी का दोस्त है वो। ये दोनों बड़े हैं, एक ये एक एमी, दोनों बड़े हैं, बाकी सारे छोटे हैं, है ना। आएगा मेरे पास कब आएगा? कब आएगा? बाद में आएगा। ठीक है, बाद में आ जाइए। ठीक है, फिर हम दोनों ऐश करेंगे, है ना। भाई अभी मैं और मम्मी आ चुके थे गांव में से, और अभी यहाँ जो अपना ये तीतरा मोड़ है ना, इस साइड आते हैं जो आप इस रोड पे, तीतरा मोड़ से थोड़ा सा आगे चल के कोल्हू है, जैसे यहाँ पे गुड़ मिलता है, शक्कर मिलता है। तो राजवीर भाई ने बताया था कि यहाँ पे मतलब अच्छा गुड़ मिलता है और शक्कर मिलती है, तो देखने आए थे मतलब कैसा है क्या है मतलब सिस्टम। तो बहुत, तो अभी मम्मी जी ले रहे हैं। भैया कब से आए कोल्हू यहाँ पे? पिछले साल से। कैसा है मतलब गुड़ शक्कर कैसी है मतलब? बढ़िया। तो भैया से पूछा तो भैया बोल रहे हैं अच्छी है, तो इस साइड भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये बड़ा यहाँ पे, देखो ये सिस्टम है कोल्हू का, ये देख सकते हो आप। ए अंकल जी क्या कर रहे हैं देखते हैं इनका। ये मशीन है कोल्हू की मशीन है, इसमें क्या गुड़ तैयार होता है कैसे क्या करते हैं? इसमें खांड बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो यहाँ से तो अच्छा है, सही है, बढ़िया है।
अच्छा ये खांड की मशीन है ये वाली जो खांड की मशीन, ये किस चीज़ की है? ये तो गुड़ बनाता है, रस आता अच्छा, है इसमें गुड़ बनता है, रस उसमें से आएगा गन्ने में, रस उस साइड से आएगा गन्ने से, अच्छा अच्छा मेरा कैथल से है बात तक आऊँ वैसे तो ताऊ के लड़के ने बताया था यहाँ राजोंद गवर्नमेंट गर्ल स्कूल में लेक्चरर है, अच्छा, अच्छा, तो उसने बताया था ठीक है अभी 2 साल हो गए लगाया, अच्छा अच्छा तो अंकल जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है अगर मतलब किसी को लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हो अगर कोई कैथल के आस पास है। मेरे मम्मी आ चुके थे गाँव में से और सरोज दीदी की लड़की को देखा थे क्या आवाज, गाड़ी में जाना था और गाड़ी में कोई मतलब किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, क्या आवाज जैसे गाड़ी को ले जाने लगी ना जैसे स्टार्ट की मैंने गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? उसका बैटरी में दिक्कत है या तो बैटरी चार्ज नहीं है, है ना, या फिर मतलब नई बैटरी डलवानी पड़ेगी, यही कारण हो सकता है मतलब नई बैटरी का ही इशू है, तो देखते हैं कल को लेके आएंगे मिस्त्री को क्या करेगा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी अच्छी है अपनी और हमेशा साथ दिया गाड़ी ने, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं मतलब बैटरी का इशू है। और गाइस बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आप सबको व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आप सबको व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अपने राय दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।